बिसमिल्लार रहीम स्टूडेंट्स ये हमारा पेपर 2011 का चल रहा था और ये लास्ट फाइव एम हैं जिसमें 95 तक तो हम कर चुके थे अब ये 96 सिक्स है नाइन्टी सिक्स क्या है कि दिस सीरीज़ इज़ ये हमें एक सीरीज़ दी गई है और इसके अंदर ये देखें ये आयोटा दिया गया है जहाँ आयोटा आ जाएगा तो वो कम्प्लेक्स सीरीज़ होगी तो ये हमें जो सीरीज़ दी गई है ये कम्प्लेक्स नंबर सीरीज़ दी गई है और इस सीरीज़ के मतलब ये पूछा गया है कि क्या ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है अब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है या जो है वो इसमें से कोई भी नहीं है तो इसमें से हमने ये देखना है चार में से कौन सी ऑप्शंस हैं तो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट है बी ऑप्शन का मतलब यह है कि ये अबसोल्यूटली कन्वर्जेंट है ठीक है इसका मतलब इसकी जो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हैं वो कन्वर्जेंट है यानी कि माड़ लिया जाए तो वो क्या आता है वो कन्वर्जेंट आता है इसलिए इसको अपसेली कन्वर्जेंट कहेंगे तो अब इसमें हम यहाँ पे इसको आगे ये देखते हैं कि ये कैसे अब्सल्यूटली जो है वो कन्वर्जेंट है उसके लिए ये मैंने इसको जो है वो सॉल्व किया है सबसे पहले तो ये हमें गिवन सीरीज़ है वो मैंने लिखी और इसको जो हमारी ए, हम जिससे डिनोट करते हैं उस सिंबल को लिख लिया कि सीमा एन इज़ एक टू जीरो टू इन्फिनिटी एन और जब इनका कंपैरिजन किया तो हमारे पास एनथ टर्म जो है वो इसके इक्वल आ गई एन रेज़ टू तो पावर आयोटा ओवर टू आयोटा रेज टू तो पावर एन यानी कि ये हमारे पास ए एन है ठीक है और क्योंकि ये एन पावर मौजूद है तो हम यहाँ पे रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे ठीक है क्या करेंगे रूट टेस्ट तो ये एन हमारे पास ये इसके इक्वल है इसका मॉल लेते हैं दोनों तरफ इधर तो मैंने लिया इधर भी आप जो है वो क्या करोगे इस तरह इसका मॉल लोगे, फिर इसकी पावर दोनों तरफ वन ओवर एन लेनी है क्या करना है दोनों तरफ पावर वन ओवर लेनी है और इसके बाद इसको दोनों तरफ जो है वो लिमिट अप्लाई कर देनी है लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनीटी और ये आप लोगों को पता है वेल नोन रिजल्ट है रूट टेस्ट अब स्टूडेंट्स हमारा काम यह है कि इस राइट साइड पे जो लिमिट है इसको सॉल्व किया जाए अब इसको सॉल्व करने के लिए ये देखिए नीचे एन एन से जो है वो कैंसिल हो गया अब नीचे टू आयोटा है अब टू आयोटा इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लें तो आयोटा का मैग्नीट्यूड आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स पहले तो आयोटा को कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें तो ये क्या लिखा जाता है जीरो प्लस आयोटा और इसका जो मैग्नीचूड लें तो वो वन ही आता है तो इसलिए जो है वो टू आयोटा का मॉड जो है मॉडुलस जो है वो किसके इक्वल आ गया टू के इक्वल आ गया और ये हमारे पास वन ओवर एन मल्टीप्लाई होके एन रेस टू पावर आयोटा ओवर एन हो गया ठीक है जी अब इसमें हमने क्या करना है अब ऊपर इसकी लिमिट फाइंड करनी है तो इसकी लिमिट को हम लॉपिटर रूल से जो है वो फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले इसे वाई की को लेट का ए, लेट कर लेते हैं फिर दोनों तरफ जो है वो लॉग ले लेते हैं लॉग लेने के बाद फिर हमने क्या करना है क्योंकि लिमिट फाइंड करनी है दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दें और यहाँ पे लोपिटर रूल ए, ए, कौन सी फॉर्म बनती थी इन्फिनी ओवर इन्फिनी तो ऊपर भी डेरीवेटिव ले लें नीचे भी डेरीवेटिव ले लें ले, और इसमें फिर वैल्यू पुट कर दें तो इसका आंसर ज़ीरो आ गया तो यहाँ से अगर लेफ़्ट साइड से लॉग को ख़त्म करो तो ये क्या आ जाएगा ई रेज टू पावर ये नंबर वो जीरो है तो ये जीरो आ गया ई रेस टू पावर जीरो वन के इक्वल होता है तो इस तरह इसकी लिमिट इक्वल आ गई वन के इक्वल और इस लिमिट को उधर जाके हम पुट कर देते हैं अब जब इसमें पुट की तो टू पहले उधर में जो था ऊपर लिमिट पुट हो गई वन तो ये क्या आ गया वन बाई टू ये हमारे पास उसमें एल की वैल्यू आ गई है और रूट टेस्ट के अंदर था कि एल अगर लेस देन वन हो तो ये कन्वर्जेंट है ग्रेटर देन वन हो तो डाइवर्जेंट और इज इक्वल टू वन तो ये टेस्ट फेल्स और ये जो क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो ये कन्वर्जेंस अबसोल्यूटली कन्वर्जेंस है ये क्या है अबसोल्यूटली कन्वर्जेंट है क्योंकि हमने मॉड लिया है अपसेल्यूट सीरीज़ है इसलिए ये कन्वर्जेस अब और बी ऑप्शन इसके अंदर जो है वो हमने करेक्ट की है अच्छा नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स 97 है इंपॉर्टेंट है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ हमने फाइंड करना है साइन हाइपरबॉलिकाइड अच्छा एक आप लोग ये दिन में रखें ये जो साइन काज टेन सिकेंड को सिकेंड है लॉ लॉग है ए, और इसी तरह हाइपरबॉलिक फंक्शंस हैं इनकी सीरीज आपको याद होनी चाहिए ठीक है और इनको सीरीज़ में लिख के डेफिनेटली आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं और इसमें चार ऑप्शनस दी गई हैं कि क्या रेडियस ऑफ़ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी है क्या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जीरो के इक्वल है या रेडियस ऑफ़ कन्वर्जेंस वन के इक्वल है या ये जो है वो टू है चारों में से एक करेक्ट ऑप्शन है और वो है ए ऑप्शन कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वो इनफिनिटी के इक्वल है कैसे इनफिनिटी के इक्वल है ये हम अगले पेज पे देखते हैं अब यहाँ पे ये यह देखें स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास जो है वो रेडियस ऑफ कन्वर्ज कन्वर्जेंस का फार्मूला है ये बी की बुक में भी मौजूद है जो हमने इसमें पॉजिटिव टर्म सीरीज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए जो है वो फाइंड किया अब उसमें ये रूट टेस्ट ये जो हमारे पास रेशो टेस्ट है उससे ही लिया गया है किस लिया गया है रेशो टेस्ट से ही लिया गया है आर की वैल्यू और ये ऊपर आएगा ए एन नीचे ए एन प्लस वन और इसका मॉड लेना है और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है जो आंसर आएगा वो आर है तो अब यहाँ पे ये देखें ये साइन हाइपर z की ये स्टूडेंट सीरीज़ है जो कि आप लोगों ने याद रखनी है ठीक है अब मैंने इसका कंपैरिजन किससे कर लिया सिग्मा एन इज़ इक्वल टू जीरोनिटी ए एन से अब जब हम इन दोनों सीरीज़ को कंपैरिज़न करेंगे तो हमारे पास एनथ टर्म आ जाएगी और एनथ टर्म इक्वल है टर्म इज़ इक्वल टू जेड रेज टू पावर टू एन प्लस वन ओवर टू एन प्लस वन ये एन है हमें क्या फाइंड करना है ए एन प्लस वन फाइंड करना है तो एन की जगह पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे एन प्लस वन को रिप्लेस कर देंगे अच्छा इसके बाद ए, क्या करना है हमने उसमें फार्मूले में वैल्यू सपोर्ट करें तो ये बेसिकली ए एन डिवाइडेड बाय ए एन प्लस वन था तो मैंने एक दफ़ा इसे डिवीज़न में लिख लिया फिर इस डिवीज़न को प्रोडक्ट में चेंज करेंगे तो ये, ये आपस में रेसिप्रोकल इसका आ जाएगा फिर क्या करते हैं इनकी टर्म्स को कर, कैंसिल करते हैं पहले टू एन प्लस वन फैक्टोरियल इसके फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो ये टू एन प्लस थ्री फिर टू एन प्लस टू फिर टू एन प्लस वन और यहाँ पे फैक्टोरियल को जो है वो स्टॉप कर लेंगे ठीक है इसके बाद जो है हम क्या करते हैं इसको ये वाली जो टर्म है इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी और इधर भी जो है वो जेड की पावर कुछ जो है वो कैंसिल हो के ये हमारे पास बाक़ी बच जाएगा यानी कि ऊपर एन है और नीचे जो है वो जेड है डेफिनेटली हमारे पास जब एन की वैल्यू जो है वो पुट होगी इन्फिटी तो इसका आंसर इन्फिनी आ जाएगा तो आर जो है वो किसके इक्वल है इंफिनिटी के तो ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ गए नेक्स्ट नाइन्टी स्टूडेंट नाइनटी एट में क्या है के married couples have bought eight seats in concert. कि यानी उन्होंने कंसर्ट के लिए एट सीट्स जो है वो खरीदी हैं इन हो मेनी डिफरेंट वेज दे बी सीटेड इफ ईच कपल इज सेट टुगेदर यानी कि अगर हर कपल जो है वो क्या है एक दूसरे के करीब बैठे तो एक दूसरे के साथ बैठे तो कितने डिफरेंट वेज जो है वो बनते हैं तो ये हमने जो है वो इन चार ऑप्शनस में से स्टूडेंट को एक ऑप्शन जो है वो सोचनी है कि कौन सी जो है वो दुरुस्त है इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो सी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट वन ये इसका आंसर है ये इसका आंसर कैसे है इसको हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं इसमें ये देखें जो सीट्स कितनी हैं एड्स एट्स हैं ये कंडीशन दी गई है ठीक है कंडीशन क्या है उसके साथ कि वो कपल्स जो हैं वो इकट्ठे बैठेंगे अब मैं इसको इस तरह एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप ये कह लें कि आपने दो किताबें जिल्द कर दें एक एक जिल्द कर दें अब वो एक ही बुक कंसिडर होगी हाँ उसकी आपस में परमोटेशन आएगी एक जो है वो आप चेंज कर सकते हैं अब ये देखें मेल फीमेल का ये एक ग्रुप बन गया एक ये हो गया एक ये हो गया और एक ये हो गया तो हम इसको चार कंसिडर uh, करेंगे बजाय इसके कि ये एट हैं ये अब क्योंकि इन्होंने बैठना ही इकट्ठे है तो ये अब हमारे पास एक एलिमेंट के तौर पे आएगा तो इनको अगर हम परम्यूट करें तो स्टूडेंट्स वो कितनी प्रमोटेशंस आती हैं ये फोर पी फोर आएंगी कितनी आएंगी फोर पी फोर लेकिन इसमें ये देखें कि हम क्या करेंगे सबसे पहले इस इसको जो है वो देखेंगे कि इसमें मेल और फीमेल को ऐसे रखा है तो एक दफ़ा हमने ये वाली परमोटेशन ले ली ठीक है फिर हम क्या करते हैं फिर इसके अंदर पोजीशन चेंज करते हैं एफ़ वन इधर आ जाएगा एम वन इधर आ जाएगा तो इसकी परमोटेशन जो है वो कितनी बनेगी स्टूडेंट्स ये टू फैक्टोरियल बनेगी इसकी भी प्रमोटेशन कितनी बनेगी टू फैक्टोरियल बनेगी इसकी भी आपस में परमुटेशन कितनी बनेगी टू फैक्टोरियल बनेगी और इसकी भी आपस में परमुटेशन टू फैक्टोरियल होगी और ये टोटल जब वैसे एज ए ब्लॉक जो है वो ये परमुट करेंगे तो वो फोर पी फोर होगा इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा और वो क्या है नंबर ऑफ़ वेज़ जो हैं वो कितने बनेंगे टू पी टू इंटू टू पी टू टू पी टू टू पी टू इंटू फोर पी फोर अब टू पी टू बेसिकली एन पी एन जो है वो एन फैक्टोरियल के इक्वल होता है तो ये टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल एंड फोर फैक्टोरियल अब टू फैक्टोरियल टू ही होता है तो ये सारे जो हैं वो क्या बन जाएंगे ये टू बन जाएंगे और फोर का फैक्टोरियल फ़ोर थ्री टू वन तो ये ट्वेंटी फोर इन सब को मल्टीप्लाई करोगे थ्री एटी फोर इसका जो है वो आंसर आएगा और ये सी ऑप्शन थी तो इसलिए हमने इसको क्या कहा सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये हमारे पास 99 है 99 में क्या है कि कॉइन काइन इज़ बॉयस्ट फिर कॉइन नहीं है कॉइन कैसा है बॉयस्ट है इसका मतलब सबके नंबर्स के आने के चांस इक्वली नहीं है ठीक है बल्कि डिफरेंट है सो दैट हेड इज टाइस एज लाइकली टू अकर एज ए टेल यानी कि हेड जो है उसके चांस ज़्यादा हैं जितने टेल के टेल से जो है वो हेड के आने के डबल चांस हैं ठीक है इसलिए ये फेयर नहीं है इफ़ द कॉइन इज टॉस्ड थ्री टाइम्स कॉइन को थ्री टाइम्स टॉस कर लिया है या इस तरह भी इसको कह सकते हैं कि इफ़ द्री आर टॉस्ड वो वन टाइम हो जाएगा तो दोनों से जो सैम्पल स्पेस बनेगी वो एक जैसी ही बनेगी देन द प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स एंड वन हेड इज टू टेल्स और वन हेड जो है वो हासिल करने की प्रॉबिलिटी क्या होगी इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले ये देखते हैं इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है क्या ये वन बाय नाइन होगी टू बाई नाइन होगी या ये फोर बाय नाइन है या इसमें से कोई भी नहीं है तो इसमें स्टूडेंट्स जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है अब कैसे सी ऑप्शन करेक्ट है यानी कि फोर बाय नाइन आंसर किस तरह आता है इसको हम स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो देखते हैं इसमें ये देखें सबसे पहले कॉइन इज़ बाइस्ट फेयर नहीं है पहली बात तो ये है इसका मतलब हेड और टेल के आने के इक्वल चांस नहीं है बल्कि उसने कंडीशन दी है कि हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो टेल की प्रोबेबिलिटी का टू टाइम्स है और ये भी हमें पता है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो हंड्रेड परसेंट होगा वो वन होगा हंड्रेड परसेंट किसके होता है वन के इक्वल होता है अच्छा अब हम क्या करते हैं पी एच की वैल्यू इसमें पुट करें तो आ, क्या आ जाएगा ये टू पी टी प्रॉबिलिटी ऑफ टी टेल प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है ये ऐड करें तो ये थ्री हो जाएगा थ्री पे डिवाइड करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो है वो हमारे पास वन बाय थ्री आ जाएगी फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ़ हेड फाइंड करें तो उसके अंदर जो है वो वैल्यू को पुट करें तो ये क्या बनेगा ये हमारे पास आ जाएगा टू इन टू वन बाय थ्री और ये टू बाय थ्री आ जाएगा तो इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो क्या बन जाएगी वो हमारे पास टू बाय थ्री आ जाएगी अब स्टूडेंट्स हम इसकी सैम्पल स्पेस को देखते हैं कि सैम्पल स्पेस क्या है सैम्पल स्पेस में हमारे पास जो है वो तीन कॉइन्स हैं एक कॉइन को थ्री टाइम्स जो है वो हमने टॉस किया है तो इसमें हेड 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 आ जाएगा और दोनों हेड और टेल आ जाएगा फिर हेड टेल हेड आएगा फिर हेड टेल टेल आ जाएगा फिर टेल हेड हेड आ जाएगा फिर टेल हेड टेल है जितने यानी कि हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकती हैं वो सारी की सारी जो है वो लिखेंगे ठीक है तो ये हमारे पास जो है वो अरेंजमेंट्स <coughs> आ गई अब इसमें इवेंट क्या है कि हम जो है वो वन हेड की बात करें तो ये इसके अंदर वन हेड है इसके अंदर वन हेड है और इसके अंदर वन हेड और टू टेल्स हमारी जो है वो क्या था ऑप्शन वन हेड एंड टू टेल्स वन हेड और टू टेल्स जो हैं वो इन तीन के अंदर हैं इसका मतलब इवेंट ये है हमारे पास अब हमने इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो तमाम की प्रोबेबिलिटीज़ का सम आ जाएगा क्या आ जाएगा तमाम की प्रोबेबिलिटी तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी का आगे फार्मूला प्रोडक्ट में क्या आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्रोबेबिलिटी ऑफ टी प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बाकी को भी इसी तरह यहाँ पे आप जो है वो लिख लोगे इसके बाद इसके बाद यहाँ पे देखें हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं हेड की प्रॉबिलिटी हमने फाइंड की वो टू बाय थ्री है और टेल की जो है वो वन बाय थ्री है जहाँ पे टेल है वहाँ पे वन बाय थ्री आ जाएगा ये टेल है तो ये वन बाय थ्री और ये हेड है तो ये टू बाई थ्री ये टेल है तो ये वन बाय थ्री और हेड है तो ये टू बाई थ्री आ जाएगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो सिक्स ओवर ट्वेंटी सेवन है और फिर कैंसिल कर दें थ्री पे ये कैंसिल होता है तो टू बाय नाइन तो इस तरह प्रॉबिलिटी जो है वो कितनी बनती है टू बाय नाइन और बी ऑप्शन जो है वो इसके अंदर हमने करेक्ट की तो यही जो है वो इसके ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये लास्ट एम है इस पेपर का इसमें क्या है कि इफ़ एक्स रिप्रजेंट्स दी आउटकम व्हेन ए डाई इज़ टॉस्ट अब ये एक डाई है डाई जो आप लूडो का दाना जो है वो जो खेलते हैं उसको कहते हैं ठीक है तो उस पर डेफिनेटली जो है वो जो पॉसिबल जो या सैम्पल स्पेस उसकी बनती है उसमें वन डाट टू डाट थ्री फोर फाइव और सिक्स होते हैं दैन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सेज अब एक्सपेक्ट वैल्यू हमने जो है वो फाइंड करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला आप लोगों को पता है बहरह में जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास uh, देखेंगे कि इन चारों में से कौन सी है वन बाय टू फाइव बाय टू सेवन बाय टू थ्री बाय टू इन चारों में से कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है तो सी ऑप्शन इज दी करेक्ट वन अब इसको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं इसमें यह देखें सैम्पल स्पेस में ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये बेसिकली डार्ट्स हैं ठीक है तो हर एक ही प्रॉबिलिटी आने के चांस कितने है? हैं सिक्स हैं क्योंकि सैम्पल स्पेस के अंदर जो टोटल नंबर हैं पॉसिबिलिटीज हैं वो सिक्स हैं अब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी फाइंड करनी है और ये क्योंकि फाइनाइट है डिस्क्रीट केस है डिस्क्रीट केस के अंदर आई इक्वल टू वन से लेके हमारे पास जो है वो एन वो क्या है सिक्स तक है और एक्स पी एक्स ये फार्मूला बनता है किसके लिए डिस्क्रीट केस के लिए अब आप जो है वो आई इसको जो है वो क्या करेंगे वन वन पुट करते जाएंगे ठीक है इसमें क्या है आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं वन ए, ए, एक्स लिख लें और ये हमारे पास वन पी वन है फिर टू पी टू है फिर थ्री पी थ्री है फिर फोर पी फोर है ठीक है जी आगे जो है वो क्या आएगा ये फाइव पी फाइव आएगा फिर प्लस सिक्स पी सिक्स आ जाएगा अब आपने क्या करना है इसमें ये वन ये वन बाय सिक्स ये सब की प्रॉबिलिटीज़ तो जो है वो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स वो वन बाय सिक्स ही है आर एक के आने के जो है वो वन ओवर सिक्स चांस हैं सिक्स में से वन चांस है ठीक है तो बाकी वन टू थ्री फोर ये उसमें फार्मूले में था अब वन बाई सिक्स को कॉमन ले लें ले तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स आ जाएगा इनको ऐड करें तो ट्वेंटी वन आ जाएगा और इस पे थ्री पे कैंसिल कर दें तो ये सेवन बाई टू आ जाएगा और इस तरह हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट आएगी वो सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन ठीक है जी तो ये था दोस्तों हमारा जो पहला पेपर एक पेपर जो है वो मुकम्मल हुआ तो इसमें उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो लाजमी सीखने का जो है वो मौका मिले मिला होगा अब इन जो है वो एक तो मैं ये 2015 का जो पेपर है उसको सॉल्व करूँगा और साथ साथ इन जो है वो अब मैं एम का जो कोर्स है उसका उसके एम प्लस उसका हल्का फुल्का जो है वो रिव्यू भी जो है वो चीज़ों का जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं उनका जो है वो शुरू कर दूँगा तो बरल उम्मीद है कि आप लोगों को मैथमेटिक्स हेल्प लाइन से जो है वो कुछ ना कुछ हेल्प जो है वो लाजमी मिल रही होगी अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़